हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फाउंडेशन का रिव्यू। तो आप थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है लॉरियल पेरिस का मॉर्फेज फाउंडेशन के ऊपर। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं डेली लाइफ के अंदर तो फाउंडेशंस को लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और ना मैं लगाती हूँ। वैसे तो मैं बीबी क्रीम, सीसी क्रीम भी बहुत ही कम लगाती हूँ। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा टाइम तक ये चलती भी नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस का एक फाउंडेशन जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऑसम है। ऑसम इसलिए है क्योंकि जो फाउंडेशंस मार्केट में आजकल चले हुए हैं वो स्किन को बहुत ज़्यादा लाइक पैची लुक देते हैं, क्रैकी लुक देते हैं। पर ये एक ऐसा फाउंडेशन है, अगर आप इसको लगाते हैं तो ये एक तो लॉन्ग लास्टिंग है फाउंडेशन है, ये बिल्कुल भी पैची लुक और क्रैकी लुक जो है वो बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ये आप लगा सकते हैं लाइक कोई लाइट फंक्शन में आपको जाना हो, और अगर आप पार्लर नहीं जा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो बेनिफिट है, मतलब इसका जो मेन बेनिफिट है इसको लगाने का, वो ये है कि आपको ये एक वन एंड ओनली प्रोडक्ट है। तो वन एंड ओनली प्रोडक्ट कैसे है, क्योंकि इसको लगाने के लिए लाइक क्या करते हैं, फाउंडेशन जब भी लगाते हैं उससे पहले हम प्राइमर लगाते हैं, फिर हम उसे सेट करते हैं पाउडर से। तो इस वाले फाउंडेशन को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वन एंड ओनली प्रोडक्ट है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको ना तो प्राइमर लगाने की ज़रूरत है और ना ही आपको पाउडर से बाद में सेटअप करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका क्लोजअप लुक भी। तो ये देखिए, ये क्यूब टाइप कंटेनर में आता है जो कि ग्लास का कंटेनर है, देखने में काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीछे क्या लिखा है। इसके पीछे लिखा है लॉरियल मैट का मॉर्फेज, और ये जो है बिल्कुल भी शाइनी लुक नहीं देता है, बहुत ज़्यादा ऑड लुक नहीं देता है, ये बहुत ज़्यादा मैट लुक देता है। ऐसा लगता है आपने फेस पे कुछ ना लगाया हो। और जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ इसका नंबर है 200, और इसका जो कलर है जिसे शेड कहते हैं वो है बेज एप्रिकॉट। तो मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया है, तो इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अंदर से। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये काफ़ी हद तक ख़त्म भी होने वाला है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है डार्क शेड में आपको दिखेगा, मैं आपको मर्ज करके भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डार्क सा है थोड़ा सा, और मैं आपको इसमें मर्ज करके दिखाती हूँ अपने हैंड पे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इजीली मर्जेबल है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो मेरे हैंड पे है कोई भी ऐसा लुक नहीं आया। क्योंकि मुझे फाउंडेशन वैसे भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन होते हैं वो स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटर लुक दे देते हैं, तो मुझे वो फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ना कोई क्रीम अच्छी लगती है जो स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटर लुक दे देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल लगता है। तो ये जो है ये बिल्कुल ही मैट लुक देता है, कोई भी ग्लॉसी और शाइनी लुक नहीं देगा आपके स्किन को। आपको हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू ही देती हूँ। तो इस वाले कंटेनर के ऊपर लिखा है 12 आवर्स चलेगा, तो मैं आपको झूठ तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि 12 आवर्स के नहीं चलेगा। अगर आप इसको लगाओगे, कवरेज इसकी अच्छी है, 7 से 8 घंटे कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा टचअप दे दोगे तो ये ऑफकोर्स 12 आवर्स चल जाएगा। बाकी स्किन के ऊपर ये कोई भी पैची और क्रैकी लुक नहीं देता है। अभी मैंने इसको अप्लाई किया है, रेगुलरली मैं नहीं अप्लाई करती हूँ, और इस वीडियो के बाद मैं जाके अपना फेस जो है वॉश कर दूँगी। तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए अपनी स्किन पे अप्लाई किया था। देख सकते हैं बिल्कुल ही नेचुरल लुक आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन लगाया हो। सबसे अच्छी बात इस फाउंडेशन की यही लगी कि ना तो कोई प्राइमर लगाना है, ना कोई पाउडर से सेटअप करना है, डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसको जो है आप अप्लाई करें तो फिंगर से ही करें, कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ ना करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट ये फिंगर से देता है वो ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश से नहीं देता। और अगर आप इसको लगाओगे तो आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ टेक्स्चर है इसका, लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तब तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये, क्योंकि स्किन के ऊपर बिल्कुल भी ऑयली लुक नहीं देता है। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये बाकी फाउंडेशन से ऑफ कोर्स महंगा है, क्योंकि लॉरियल पेरिस है तो अगेन फॉरेन का ब्रांड है।
तो इसका जो प्राइस था जब मैंने लिया था तब मुझे मिला था 1695 का, तो अप्रॉक्सीमेटली 1700 का। बट ये बेस्ट है अगर आप कोई बहुत ही अच्छे फाउंडेशन की तलाश में हो, जो नॉर्मल वाले आते हैं वो नहीं लगाना चाहते हो, एक अच्छे ब्रांड की तलाश में हो, तब आप इसको ले सकते हो। लुक वाइज ये बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई झंझट नहीं है इसमें, ना प्राइमर लगाना है, ना पाउडर लगाना है, ना कोई ब्रश यूज़ करना है। ब्रश की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिंगर से ही बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है और आपको देता है एक नेचुरल लुक। हाँ, प्राइस वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। यही था बस मेरा आज का रिव्यू, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय।